बात होती है क्लाइमेट चेंज की, तो एक बहुत बड़ा दारोमदार आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। जी हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा अगर किसी को टोका जाता है, सबसे ज्यादा किसी पर बोझ डाला जाता है, तो वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और इस लिहाज से इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और इस इलेक्ट्रिफिकेशन के दौर में कुछ बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस हैं जो कि आपको इंडियन डायस्पोरा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत सारे बड़े कदम हैं जो कि उठाए गए हैं, और 2015 से अगर मैं गलत नहीं, पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा इनोवेशन और बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिली है, जिसमें कुछ कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बात कर रहा हूँ ईवी मैन्युफैक्चरर्स की, और ईवी मैन्युफैक्चरर्स में भी पर्सनल मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तब टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का एक खास और बड़ा रोल है। कह सकते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, लेकिन अगर हम एक ऐसे फ्यूचर की बात करें जो कि क्लीन हो, ग्रीन हो, कनेक्टेड हो, शेयर्ड हो, तो उसमें ईवी मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त सबसे आगे। और हमारे इस खास पैनल डिस्कशन में ऐसे ही बहुत खास मेहमान जुड़े हैं जिनके ऊपर इस इकोनॉमी को उठाने का, इस ईवी मोबिलिटी को आगे ले जाने का सबसे ज्यादा बड़ा जिम्मा है, सबसे बड़ा दारोमदार है। हमारे साथ पहले तालुक करा देते हैं आपको हमारे इन तीन मेहमानों के साथ। शुरुआत हम करते हैं अतुल्य जी से, और उनका सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर ईवी मैन्युफैक्चरर्स एंड पीपल लाइक यू द इंडस्ट्री लीडर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कस्ट ऑफ मोबिलिटी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, द रोल दैट दे प्ले, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन द क्लाइमेट चेंज? ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फेसिंग आवर वर्ल्ड राइट नाउ, एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड। तो सारी दुनिया में इसकी रिकॉग्निशन है, US से लेके UK तक। कोई कोई देशों ने काफ़ी इंसेंटिव्स आगे बढ़ाए हैं ताकि पूरा ऑटो सेक्टर ICE इंजन से EV में ट्रांजिशन हो जाए। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर एक इंडस्ट्री टैकल कर रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या स्टील हो या सीमेंट हो, एवरी इंडस्ट्री इज टैकलिंग दिस इन देयर ओन वे। ऑब्वियसली ऑटो हैज़ अ गुड रोल टू प्ले इन दिस, क्योंकि अपने देखते हैं बॉम्बे में, लंदन में, सारे बड़े बड़े शहरों में कि कितना जगह, कितना स्पेस एलोकेट होता है पार्किंग के लिए, कितनी गाड़ियां बनती हैं, कितना धुआं होता है, कितना पोल्यूशन बढ़ता है। तो ऑटो हैज़ अ वेरी की रोल टू प्ले इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट गोइंग फॉरवर्ड। इन दिस पर्टिकुलर स्पेस पर्सनल मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन इंडिया वी आर स्टिल लकी, आई वुड से, कि वी हैव नॉट गॉन डाउन द पाथ ऑफ अडॉप्टिंग फोर व्हीलर्स इन दैट बिग अ वे एज US एंड UK एंड अदर कंट्रीज, एंड वी हैव एन अपॉर्चुनिटी विद दीज टू व्हीलर्स, विद द थ्री व्हीलर्स, विद इवन इलेक्ट्रिक साइकिल्स, विच कैन रिप्लेस मोस्ट ऑफ द यूज केसेस फॉर फोर व्हीलर्स। तो US में जैसे बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर पास के ग्रोसरी शॉप में भी जाना हो तो लोग अपना SUV लेके जाते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वी हैव अ फिट टू यूज प्रोडक्ट इन द टू व्हीलर्स। So I would say EV has a great role to play in cleaning up the environment, and within that personal mobility like two wheelers, three wheelers and cycles, they have a very strong role. So one of the interesting trends I have seen, which I'll end off with and pass the mic on, the interesting trend I've seen is that in countries, even UK for example, it's such an advanced economy and they have allocated over £2 billion I think last year to create cycling infrastructure, so that people can transition from cars into cycles, into environment friendly products, and take the future forward in a sustainable way. So I think there's a global trend. I think all of us have a great role to play, and in India we have a golden opportunity. Skip the cars, skip the petrol engine, go straight to the future technology, which is small form factor EVs. अतुल्य जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जैसे कि उनका ग्लोबल ट्रेंड से हम थोड़े से अटे हुए हैं और इससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो क्या मैं सेफली ये कह सकता हूं कि भारत जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के नए दौर में जाने के लिए इसको बिल्कुल सही पोजीशन पे खड़ा है और हम आगे बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल। जहां तक हमारा सवाल रहा है, वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन 2016, तो 16 से लेके अब तक जो देखने मिला है,
तो यहाँ पे 2019 एंड से जो सडन इम्पैक्ट आया है इस ईवी सेक्टर पे कि डिमांड काफ़ी बड़ी है, इंडिया में अवेयरनेस बढ़ा हुआ है, अगेन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स जो फेम स्कीम्स बताए, या अगर आप गुजरात में गए तो गेड़ा सब्सिडी के, महाराष्ट्र में मेड़ा सब्सिडी के, ये सब्सिडीज की वजह से और अवेयरनेस की वजह से एक सडन रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है इस ईवी सेक्टर में, खासकर टू व्हीलर, क्योंकि थ्री व्हीलर जैसे हम देखें तो गुजरात या वेस्टर्न पार्ट में थ्री व्हीलर का चलन अभी तक नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक में, ज़्यादा करके नॉर्थ में काफ़ी है, पर टू व्हीलर में यस द सडन स्पाइक इज देयर जो हमने देखी है, जो हमारे सेल्स में भी विजिबल होती है। अगेन हम इन्वेस्टर पोर्टफोलियो से देखें, अगर हम 2019 में हमने BSE पे लिस्टिंग किया, 2019 से लेके अब तक अगर हम देखें तो शेयर वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ी है, इट क्लियरली शोज कि द इंटरेस्ट विच अ कॉमन मैन और कॉमन इन्वेस्टर और कॉमन अगर हम मिडिल मैन फैमिली कहे, उनका इस सेक्टर के ऊपर विश्वास भी बढ़ा है और विश्वास के साथ एक अवेयरनेस भी बढ़ा हुआ है, एंड विच क्लियरली शोज कि येस नेक्स्ट 5 years इज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इट्स जस्ट एन ईवी इंडस्ट्री। ओकिनावा का नाम जब मैंने सुनना शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले की बात करूं, तो मैंने काफी सारे स्कूटर्स के खुद टेस्ट भी किए, प्रभावित भी रहा था, कुछ समस्याएं थी जिनको धीरे धीरे ठीक किया गया। और एक चीज जिसमें मैं आपकी तारीफ करूँ वो है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन तो आपने काफी बढ़ाया और बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी इस बारे में सचेत किया, तो आपसे यही जानना चाहूंगा सबसे पहले, हाउ बिग अ रोल when you are talking about electric vehicles, when you are talking about e-mobility, localization play. Localization के लिए भारत कितना बड़ा एक बाजार बन सकता है और इस localization से और supply chain को अगर दुरुस्त कराया जा सके तो e-mobility पर कितना असर पड़ सकता है। अगर आप ओकिनावा की बात करें तो आज की डेट में हमारा जो localization है वो मोर देन 92% है, yes. और जो रिमेनिंग 8% है वो भी इस साल के एंड तक आते आते इट विल बी बिकम 100% localized. मेक इन इंडिया प्रोडक्ट 100% अदर देन सेल्स, ऑफकोर्स सेल्स इंडिया में नहीं बनते, लिथियम आयन बैटरी जो हम यूज करते हैं उसको, दैट इज ए रॉ मटेरियल ऑफ ए कंपोनेंट बैटरी, उसके अलावा इट विल बी 100% लोकलाइज मेक इन इंडिया। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की लोकलाइजेशन के लिए, SCM सप्लाई चेन की बात करें, अगर आप देखें कि ओवरऑल इंडस्ट्री अगर हम बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर टू व्हीलर स्पेशली, 80% of the automobile industry yeah. is taken care by the two-wheeler. Last year, अगर आप देखेंगे 21 million vehicles India में बिके two-wheelers के, जो कि of course petrol के थे, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें कि अब इसका electrification already start हो गया, disruption is already happened, is already started. लोगों का जो मूव है वो IC engine से electric vehicles की तरफ change हो रहा है, government का भी focus है, awareness अब बढ़ चुकी है, तो उसके लिए सबसे important क्या है, product की quality, उसकी कॉस्ट और आफ्टर सेल सर्विस, दैट इज द थ्री प्रिंसिपल ऑन विच ओकिनावा बिलीव्स, दैट इज QCD, गुड क्वालिटी एज रीजनेबल कॉस्ट विद आफ्टर गुड आफ्टर सेल सर्विस। तो उसके लिए अगर आप देखें इंडिया में अगर हम IC इंजन का देखते हैं तो एक बहुत बड़ा हब है, जो चाहे सप्लाई चेन की बात करें और लोकलाइजेशन पार्ट की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया में IC इंजन के ऑलमोस्ट 99% पार्ट्स इंडिया में बनते हैं। तो सेम चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बहुत ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल में चेंज क्या है, उसका पावर ट्रेन का इंजन को रिप्लेस कर दिया गया है मोटर से, कंट्रोलर से, बैटरी से। तो अभी जो आज की डेट में जो हमारे सप्लायर्स भी है वो वही सप्लायर है जो IC इंजन के लिए पार्ट्स बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडिया अपने आप में सक्षम है कि वो एक बहुत ही अच्छी सप्लाई चेन इंडिया में ईवी व्हीकल्स के लिए दे सकता है। और जो हमने पिछले अपने 4 साल की जर्नी में देखा है, ऐसा नहीं है कि ओकिनावा 92% लोकलाइजेशन पहले दिन आ गया, उसको जर्नी में 4-5 साल लग गए, जब हमने अपनी कंपनी 2015 में स्टार्ट की उससे लेकर 2019 में जब फेम टू की स्कीम आई थी, तो फॉर्चुनेटली ओकिनावा वाज द फर्स्ट कंपनी हु गॉट दिस फेम टू सर्टिफिकेट इन 24 डेज ओनली। तो उसके लिए ये पूरी टीम का एफर्ट्स है और साथ में साथ उस सप्लाई चेन का जो इंडिया के अंदर है जो इस एफर्ट्स को बढ़ाने में, इस जर्नी को आगे बढ़ाने में साथ देगी, और वो तभी हो सकता है जैसे OEM और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये इस चीज को समझे कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस इज डिमांड एंड सप्लाई का है, जितनी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो कॉस्ट कम होगी और साथ साथ सप्लायरों का भी एक मोटिवेशन फैक्टर बढ़ेगा कि उनके बिजनेस की वाइबिलिटी बढ़ रही है,
तो अगर आप देखेंगे अगले एक साल दो साल के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए हमें बाहर से कंपोनेंट इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और इंडिया के सप्लायर मेरे हिसाब से सक्षम है जो इस अपनी इस चीज को आगे जर्नी को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। और इंडिया इज गोइंग टू बी बिग हब फॉर द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, स्पेशली फॉर टू व्हीलर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अ वेरी बिग मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट, और सेम वे सप्लाई चेन उसमें बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा। राइट अतुल जी, जैसे कि अभी जितेंद्र जी ने कहा कि इंडिया जो एक बहुत बड़ा हब बन रहा है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, इन ये जो जिस तरह से आगे चीजें बढ़ रही है, इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो है, ये जो स्कीम्स हैं और ये जो क्लैरियन कॉल है, इनका कितना आपको फायदा है या दिख रहा है इस वक्त मार्केट में? इज दिस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर हेल्पिंग आउट द इंडस्ट्री? या आई थिंक व्हाट मिस्टर शर्मा सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा हब बन सकता है ईवी के लिए, ग्लोबल ईवी के लिए। और इसमें जो गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दिया है, फर्स्टली ये जो मेक इन इंडिया ब्रांडिंग है उसी से स्टार्ट करते हैं, दैट इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ पावर। आज आप अमेजोन पे भी देखेंगे तो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेक इन इंडिया का टाइगर का लोगो है, एंड यू फील समथिंग व्हेन यू लुक एट इट। सो आई कैन सी द कंज्यूमर सेंटिमेंट इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग दिस, सॉरी मेक इन इंडिया इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग कंज्यूमर सेंटिमेंट कि बी वोकल फॉर लोकल। तो एक तो वो है, दूसरा है जो आत्मनिर्भर भारत का स्कीम है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं अलग अलग कमिटीज में कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे सपोर्ट करे। तो PLI स्कीम ने ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है बैटरी के लिए, उसके बाद हमने भी देखा है कि बैटरी कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर कॉन्टैक्टिंग अस एंड अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो देयर इज अ very big interest getting formed because the people outside, international investors, international entrepreneurs are seeing that the government is very focused on improving local manufacturing. Apart from that, teesra cheez jo maine dekha hai ki alag alag jo industry bodies hain jaise FICCI ya CII, unhone bhi government ke saath kafi acche se discussion start kiya hai ki hame actually supply chain mein kya cheez ka problem hai. So government is very proactive in understanding ki OEMs ko सप्लाई चेन में किस चीज की प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी व्हाट मिस्टर शर्मा हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल हब एंड वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट एनीथिंग। इट्स गोइंग टू रिक्वायर एफर्ट, मेहनत बहुत लगता है। अगेन व्हाट मिस्टर शर्मा सेड इज एग्जैक्टली राइट कि इट टेक्स अ फुल टीम एफर्ट एंड कमिटमेंट कि लोकल बनाना है, एंड देन वेंडर्स हैव टू सपोर्ट एंड यू हैव टू हैव अ you know commitment that we are in it for the long haul. But it's definitely one of the biggest opportunities that the auto sector, the auto component sector and entrepreneurs can look at today. Challenges kya, kyunki aap kafi time se maujood hain aur bahut tezi se expand bhi kar rahe hain. Indian market is not an easy market to operate in, there bahut sare bade bade players bhi isme ghuse lekin toot ke bikhar gaye. aise mein jo challenges hai wo kitne bade challenges hai aur unka samna आपकी कंपनी और स्पेशली जॉय इलेक्ट्रिक में बात करूं, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो मैंने आपका देखा है, उन चैलेंजेस को कैसे पार कर सकता है? सेम वे चैलेंजेस आर देयर एंड द करंट चैलेंज एज जितेंद्र सर आल्सो टोल्ड वेरी क्लियरली दैट करंट चैलेंज इज 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। सो अगर हम 100% यहां बनाना चाहते हैं तो देयर आर सर्टन वेंडर्स सप्लायर्स हु आर रेडी टू प्रोवाइड अस, बट देयर आर सर्टन चैलेंजेस एट देयर ओन एंड, उनको डिजाइंस नहीं करनी पड़ेगी, दे विल हैव टू पुट देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू दैट एंड फिर वो चासी या फ्रेम डेवलप करे। सो दिस इज वॉट वी आर ऑल्सो डूइंग नाउ, वी आर ऑल्सो फेसिंग दिस चैलेंजेस के बनाना यहाँ अगर 100% बनाना है, सो वेदर इट इज एन हब मोटर, वेदर इट इज एन लिथियम आयन बैटरी, वेदर इट इज एन कंट्रोलर और स्टील पार्ट्स, इट्स नॉट सो इजी। सो यस वी आर ऑल्सो मेकिंग सर्टन एफर्ट्स, अवर विजन इज, अगर हम आप देखें अवर कोर विजन इज टू एम्पावर 55,000 एंटरप्रेन्योर्स इन कमिंग 15 years, this is what is our vision. So, these entrepreneurs, it is not only our dealers or distributors, but yes, we are also empowering small vendors from suppliers. Like, we have now chassis and steel frames which we provide. So, they are short of funds, they are short of working capital with them. So, we have come forward and we have helped them with the funding to develop the molds, develop the frames with them. We have given them technical education.
This is what we are doing. The second challenge, as Jitendra sir said, that servicing part. हमने बेच तो दिया, लेकिन बेचने के बाद servicing is the major key factor which has to be kept in mind. Because after sales service, अगर हम नहीं दे पाए, because this is not an easy task. अगर ये हम IC engine के साथ इस tubular को compare करें, so this will not be the right thing. इसको चलाने की एक अलग तरीका है, इसको हैंडल करने के लिए एक अलग तरीके चाहिए. सो वी आर गोइंग इन अप टू दैट एक्सटेंट कि हम कस्टमर्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पे, जहाँ पे हम उनको बताते हैं कि ये व्हीकल कैसे हैंडल करनी है, कैसे चलानी है. अगर वो चीज़ उन्होंने सीख ली या समझ ली कि या वो अवेयर हुए कि इट इज़ नॉट एन IC इंजन व्हीकल, ये कुछ अलग चीज़ है, अलग टेक्नोलॉजी है, तो शायद हम सर्विसिंग के फोकस हमने कम रखा तो भी चलेगा. बट करंटली यस, सर्विसिंग आफ्टर सेल सर्विस इज अ ह्यूज टास्क, ह्यूज चैलेंज विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस. जितेंद्र जी, यतिन जी की बात से एक बात यह है कि आसान नहीं है, चैलेंजेस काफी हैं. आप बेहद पॉजिटिव हैं, तो ये बता दीजिए ये चैलेंजेस में सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है और किस तरीके का सपोर्ट है जो सरकार की तरफ से आने पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिल सकता है. अगर आप चैलेंजेस की ईवी के लिए बात करें, सबसे बड़ी चैलेंज है अवेयरनेस, कि आज की डेट में प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, अवेयर होना, अच्छी कंपनी के बारे में अवेयरनेस होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल किस जगह के लिए राइट सेगमेंट है उसकी अवेयरनेस होना, और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है उसकी अवेयरनेस. तो अगर देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने देखिए इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती, एज ए स्टेक होल्डर इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ OEM, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया एंड ऑल द पीपल, ऑल द स्टेक होल्डर. अगर वो सब मिलके एक साथ आगे आएंगे तो मुझे लगता है ये जो चैलेंजेस है ये अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी. जैसे अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अगर ईवी और आईसी के अंदर क्या डिफरेंस है, उसकी रनिंग कॉस्ट कम है, अगर हम उसका मैथमेटिक्स समझते हैं तो हमें आगे चल के पता चलेगा कि फाइनली अगर हमने ईवी को परचेस किया है तो उसका फायदा एक तो कस्टमर को है, साथ साथ एनवायरमेंट को भी है उसका. तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभी अवेयरनेस कैंपेन अभी शुरू किया था ग्रीन, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी में स्टार्ट किया, इवन स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसकी नई स्कीम्स लेके आई. तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन विच गवर्नमेंट आज रनिंग फ्रॉम देयर पार्ट, बट एज ए स्टेक होल्डर हमें, आपको और आम लोगों को मिलकर इस अवेयरनेस कैंप के अंदर जुड़ना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमने जंग चलाई है या गवर्नमेंट ने चलाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है इंडस्ट्री का वो हो. और ये आप देखिएगा ये बहुत जल्दी होगा, जैसे कोई भी चीज जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऑफकोर्स शुरू में वो चैलेंजेस सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन जब वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में जब लोगों को पता चल जाता है तो रातों रात वो चेंज हो जाता है. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं फोन का, जब शुरू में स्मार्टफोन आने से पहले जब नॉर्मल फोन चला करते थे, जब स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी आई इंडिया के अंदर तो लोगों को लगता था यार ये स्मार्टफोन कैसे चलेगा, लेकिन वो मार्केट रातों रात चेंज हो गई और आज की डेट में आई थिंक 99.9% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे वो मेट्रोज में हो, बी टाउन सिटी में हो, सी टाउन में हो. तो इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी आप देखेंगे जो ये चैलेंजेस है वो अपॉर्चुनिटी में कब चेंज होगी पता भी नहीं चलेगा, उसका ट्रांजिट इतना फास्ट होगा कि एवरीबॉडी विल बी शॉक्ड, अरे ये कैसे हो गया. तो इसीलिए ये हमें एज ए स्टेक होल्डर सबको मिलकर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऑलरेडी एफर्ट्स कर रही है, चाहे वो मार्केटिंग कैंपेन अवेयरनेस हो, चाहे वो इंसेंटिव के बेसिस के अंदर दे रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए PLI स्कीम्स के अंदर दे रहे हैं. तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही है और आप देखिएगा इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ईवी इंडस्ट्री को जरूर मिलेगा. तो आपने हमारे तीन खास मेहमानों को इस वक्त सुना, ये इंडस्ट्री के दिग्गज हैं जिस पर इस वक्त इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सबसे ज्यादा आभार है, और एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि इस वक्त भारत जो है वो एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो सपना है वो हर हाल में पूरा होकर भी रहेगा, क्योंकि सरकार जो है इस वक्त उस पर पुरजोर जोर दे रही है और कोशिश कर रही है इनिशिएटिव्स के जरिए, सब्सिडीज के जरिए, कि हर तरीके से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके. आने वाले जो 5 साल हैं वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रहेंगे, और वहां पर 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स की जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है जब हम बात करते हैं पर्सनल मोबिलिटी की. यानी कि देश तैयार है, अब बस हमें और आपको तैयार होने की जरूरत है. अवेयरनेस काफी है, लेकिन अभी शायद बेहतर और प्रोडक्ट आ सकते हैं बाजार में,
जिससे शायद लोगों का भी इस तरफ रुझान ज्यादा जाए। लेकिन हम आपसे जरूर गुजारिश करेंगे, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये बेहद जरूरी है कि हम आईसी इंजन से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं। हमें और आपको भी कवायद करनी है, और इंडस्ट्री की आप सुन चुके हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमें भी इसमें थोड़ा हाथ बटाना है, हमें भी एक बार सोचना जरूर है। पहला ना सही, कम से कम हमारा दूसरा प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक हो सके, क्योंकि हमारी और आपकी भी एक जिम्मेदारी है। एक बार फिर मुलाकात होगी इन्हीं मेहमानों के साथ, और उस पार्ट टू में, उस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनियां हैं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के क्षेत्र में जो आगे काम कर रही है, इनके अपने खुद के क्या प्लान है, और भारत सरकार इस पर कितनी ज्यादा मदद कर रही है। नमस्कार।